हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ निमोने की रेसिपी। तो चलिए ये देखते हैं इसको किस तरह से बनाते हैं, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। मैंने ये एक कप के लगभग हरा मटर ले लिया है। ये ताजे सर्दियों में बहुत ही अच्छे हरे मटर आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए लहसुन की पत्तियाँ हैं, इसको मैं तोड़ लूँगी। और लहसुन और ये हरा धनिया है, देखिए इसमें फूल लग चुके हैं, इसकी भी मैं पत्तियाँ तोड़ लूँगी। देखिए इसमें पत्तियाँ भी हैं, इन दोनों को मैं ऐड करूँगी अपने निमोने में। ये कुछ मिर्ची है, ये गार्लिक है, ये हरा धनिया और ये सूखा साबुत धनिया है, इसको भी मैं ऐड करूँगी और इनका एक अच्छा सा हम पेस्ट बनाएंगे। इसमें मैं लहसुन भी ऐड करूँगी और ये हरा लहसुन, ये भी ऐड करूँगी, हरा धनिया, ये सब डाल के मैं अच्छी तरह से इसका एक पेस्ट तैयार करूँगी। और इससे पहले हम पहले मटर को भून लेते हैं। इसको हम बिना ऑयल के ही भूनेंगे, इसको हम 5 से 10 मिनट तक इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। हमारा मटर तैयार हो चुका है भून के, अब इसको मैं ठंडा करके ग्राइंडर जार में थोड़ा दरदरा ही तैयार करूंगी। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेंगे, तेल को गरम करेंगे, इसमें हम मेथी ऐड करेंगे, मेथी और हींग के साथ हम इसका तड़का तैयार करेंगे। ये मैंने अपना मसाला ग्राइंड कर लिया है और मैंने साथ में 2 आलू भी ले लिया है। ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते, नहीं डालना चाहते तो आप मत डालिए, मैं इसमें ऐड करूँगी। मसाले में मैं हल्दी पाउडर भी ऐड करूंगी, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, इन सभी को एक साथ डाल के भूनूंगी। और इसके साथ साथ में नमक भी ऐड कर दूंगी। अब ये हमारा मसाला भून चुका है, देखिए तेल भी ऊपर आना शुरू हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपने कटे हुए आलू। अब इसको इसके साथ थोड़ी देर तक हम पकाएंगे ढककर हम। अब ये आलू के साथ हमारा मसाला हो चुका है, अब ये हमने जो पेस्ट तैयार किया था मटर का भून के, अब इसको इसमें ऐड करेंगे। देखिए ये थोड़ा हमने दरदरा ही करके रखा हुआ है, इसको हम ऐड करेंगे, इसको हम बहुत महीन नहीं पीसेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, पानी ऐड करके इसको हम कुक कर लेंगे। अब निमोना हमारा बनकर तैयार हो चुका है, अब चलते हैं इसको सर्व करने की तरफ। निमोना बनकर हमारा तैयार है, इसको आप इंजॉय कर सकते हैं रोटी या चावल के साथ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें।